जो है ना 4:08 हुए हैं, बच्चों को स्कूल से पिक किया है, मेरा भी ऑफ हुआ था तो बच्चों का स्कूल रास्ते में आते हैं। मेरे स्कूल और बच्चों का स्कूल जो है ना पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है, तो बस अभी उनको पिक किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और ये है जनाब आज का वेदर, आप देख सकते हो न्यूयॉर्क का मौसम ना कोई एतबार नहीं है। कल मौसम इतना अच्छा था, मतलब धूप थी और इतना मज़े का मौसम था ना, हमें लग रहा था कि जैसे जो है ना स्प्रिंग आ गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी गर्मी भी आ जाएगी। और सुनने वाले सुन के हैरान हो रहे होंगे कि हम लोग गर्मी आने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत थोड़े दिनों की होती है और सर्दी जो है ना आप समझ लें 12 महीनों में से ना 10 महीने तो यहाँ पे सर्दी रहती है, सिर्फ 2 महीने ही अच्छे आते हैं जिसमें हम लोग इंजॉय करते हैं, लाइक फुल लाइक गर्मी वाला वेदर होता है, कहीं बंदा बाहर जाता है थोड़ा, वरना बाकी 10 महीने ना इतनी भारी भारी जैकेट्स पहनने पड़ती हैं कि हमारे तो कंधों में दर्द हो जाता है। सो बस अभी भी हमने जैकेट ही पहनी हुई है। सो वेदर चेक करें, कल दोपहर में जो है ना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा था कि जैकेट्स हमने पहनी थी लेकिन धूप थी तो वो इतनी ठंडक नहीं महसूस हो रही थी। बट अभी जो है ना फिर से क्लाउडी वेदर, ये रात को हमारे पास बहुत तेज़ बारिश होती रही है और सुबह में भी बारिश थी, बट इस टाइम पे शुक्र है अल्लाह का बारिश तो नहीं है, लेकिन वेदर ऐसा है बादलों वाला। अभी जाते हैं घर और अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। रोज़ा हमारे पास खुलता है 7:10 पे, तकरीबन इतना ही टाइम होता है। कभी लाइक हमारा तो फ़ोन पे अजान आती है, पाकिस्तान की तरह हम उस तरह अजान तो सुनते नहीं हैं, तो 7:10 तक हम लोग रेडी रहते हैं। तो अजान जो है ना वो 7:12:13 और इस तरह से इतने मिनट पे आती है। सो हम लोग वेट करते हैं, फिर टीवी पे अजान आती है, लाइव चैनल यहाँ पे है न्यूयॉर्क का, उसमें जब टाइम होता है ना उस पर भी आती है और फ़ोन पे भी हमने सेट किया हुआ है, एक ऐप है तो वहाँ पे अजान आती है यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से, सो फिर हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो अभी तो जाते हैं घर क्योंकि इस टाइम पर जो है ना थकावट हो रही है, और घर जाके देखते हैं कि अफ्तारी में क्या बनता है आज। ये रेड लाइट आ चुकी है और यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी हम लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई है, ये देखे। तो यहाँ पर जरा हाय एहसन, अस्सलाम करें आके। सो ये मेरे बेटे हैं एहसन, जो कभी कभी आते हैं वीडियो में, शर्म बहुत करते हैं ये, क्यों आपको शर्म आती है एहसन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा यहाँ पे ना ये मैं आपको दिखाऊं, पीछे ये हमारी लाइब्रेरी है, लेकिन ये कैमरा बैक नहीं होगा, आईफोन में ये मसला है। एंड्रॉइड वाला जो कैमरा होता है ना आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही वीडियो को लाइक बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो और रिकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यू रहती है और साथ ही आप फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेते हो, बट इस पे ऐसे नहीं हो सकता है। सो मैं आपको अपनी एलमोंट की जो है ना लाइब्रेरी दिखाना चाह रही थी, लेकिन फिर कभी दिखाऊंगी। सो अभी जो है ना फोकस मेरा ड्राइविंग पे है ज़्यादा, तो बच्चों के लिए अच्छी एग्जांपल नहीं मैं सेट कर रही कि मैं साथ ही ड्राइविंग कर रही हूँ और साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सच में मेरा फोकस जो है ना वो ड्राइविंग पे है। कैमरा जो है ना वो मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया हुआ है, जैसे हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं ना। सो मुझे जीपीएस तो यूज़ करना नहीं है क्योंकि मुझे रास्ता पता है, मैं डेली इस रास्ते से आती जाती हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। रास्ते की वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, अब बोरिंग हो जाएगी, तो मैं घर जाती हूँ, फिर देखते हैं शाम की क्या रूटीन होती है और आप लोगों के साथ भी मैं अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी। फ्रूट चाट बना लिया और नूर के लिए भी डब्बे में निकाल लिया, ये जॉब पर ही रोज़ा खोलेंगे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन घर में रोज़ा खोलता है इनका, बाकी दिनों में ये जॉब पर ही होते हैं। और यहाँ पर बर्तन धोने की बारी आ गई है क्योंकि किचन में जब आप आते हो ना इतनी डिशेस इकट्ठी होती हैं, सच में इतना ज़्यादा ना काम, और डिशेस धोना ही मुझे ना सबसे ज़्यादा कोफ्त वाला काम लगता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। अब पाकिस्तान में तो होता है इंसान बहन भाई साथ होते हैं, जब छोटे होते थे तो मैं बर्तन धोने वाले काम से जो है बहुत कतराती थी, बाकी काम कर लेती थी, कुकिंग हाँ वो भी कर लेती थी खुशी खुशी, लेकिन बर्तन धोना जाना मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन करना पड़ता है क्या करें। और अभी जहाँ पर बेसन जो है ना मैं
इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, बस मैंने सब्जियाँ काटी हैं और इसके ऊपर बेसन स्प्रिंकल किया है, मसाले जो भी हम लोग डालते हैं, सूखा धनिया, मिर्चें, नमक जो भी है, और बस इसको अब अच्छे से मिक्स करूँगी और रख दूँगी। और जैसे ही अफ्तारी का टाइम करीब आएगा ना, मतलब जब मैंने इसको फ्राई करना होगा, तब तक जो है ना ये बेसन खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, सच में ये रेडी हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मैंने डाला, एक कतरा भी पानी का नहीं डाला है इसमें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया। और यहाँ पे मैंने मसाला रेडी किया, क्योंकि शलजम मैंने कब लाई थी, माह रमज़ान से पहले के ला के फ्रिज में रखे हुए थे और मुझे भूल गया था उस दिन ना। मैं सफाई करने लगी हूँ, मैंने फ्रिज खोला तो पीछे रखे हुए थे, लेकिन शुक्र है ख़राब नहीं हुए थे, ठीक थे। तो मैंने जल्दी से निकाल के इनको काटा, गोश्त का पैकेट निकाला जो कि डीप रोस्ट होने के लिए मैंने रखा था, फिर गर्म पानी में डाला, क्योंकि अगर मैं पहले से मैंने सोचा होता ना तो मैं जॉब पर जाने से पहले निकाल के रखती। लेकिन जब मैं वापस आई तब मुझे शलजम नज़र आया और तब मैंने प्लान किया चले अब मैं ना शलजम गोश्त बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले रोल्स जो हमने पहले रोज़े वाले दिन बना के रखे थे ना, ये वो रोल्स हैं, इनको मैंने निकाल के फ्राई कर लिया था। और ये देखें, ये है वो बेसन जिसकी बात मैं कर रही थी। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस प्याज, आलू, जो भी वेजिटेबल्स आपने डालनी है, बस उन्हीं के अंदर बेसन जो है ना खुद ब खुद इस तरह से घुल जाएगा। रोज़ अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और ज़्यादा बना कर रखने का ये फ़ायदा होता है फ्रीज़ करने का, कि अफ्तारी में बहुत आसानी होती है, जब दिल करे आप निकालें और खाएं। तो ये देखिए पकोड़े जो है ना बहुत ही खस्ता और मज़े के बनते हैं, अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे ना। बस बेसन में आप पानी नहीं डालें, अफ्तारी से एक घंटा पहले ही आप सब्ज़ियाँ वगैरह काट के ना उसमें बेसन स्प्रिंकल करके रख दें, तो आप देखिएगा आधे घंटे में ही सारा बेसन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरह से। और जनाब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया था, हम लोगों ने अफ्तारी की और उसके बाद मैंने ये शलजम गोश्त बनाया। गोश्त डिफ्रोस्ट हो गया था अफ्तारी के बाद, तो फिर मैंने ये भी साथ ही बना लिया था कि हमारी सहरी के लिए जो है ना ये रेडी हो जाए सालन। और अब जो है आराम से बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, नूर जॉब पे जा चुके थे, बच्चे और मैं ही घर में थे, तो यहाँ पे मैं चाय लेके बैठी हूँ अपनी और बच्चों की चाय वहाँ मैंने रख दी है। तो हम लोग रोज़ा जो है वो अपने देसी स्टाइल में नीचे चटाई पे बैठ के खोलते हैं। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा माह रमज़ान में, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।